नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने सुबह ही हम लोग यहाँ पे बताए थे कि आज पी साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे और पी साइड में अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया, जो हमारा 88 पॉइंट का प्रॉफिट सुबह में ही मिल गया, ठीक है, एक अच्छा खासा मिल गया। और 45,200 का पी हम लोग लिए थे, जो लिए थे 310 रुपये में, वो हम लोग बेचा 392 रुपीज में, ठीक है। तो ये हमारा आज का सुबह का ट्रेड था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल का तोड़ा, जब हाई तोड़ा मैंने बोला देखिए यहां से 222 का लेवल जा सकते हैं, तो उसके बाद मैंने बोला कि 222 जाएगा तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, आप एक बार 15 मिनट चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन कितना बढ़िया काम कर रहे थे पिछले। तो पिछले बार बार जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था मार्केट, तब यहां से गिरावट, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया देखिए गिरावट, इसके पास आया गिरावट, इसके पास आया फिर से गिरावट, इसके बाद वहां से ब्रेकआउट किया लेकिन वो भी सस्टेन हो नहीं पाया, तो गैप डाउन ओपन और इसी के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट अभी रुक रहा है। तो इसके अंदर देखिए कि मार्केट यहां पे कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इस कैंडल के ऊपर कोई 15 मिनट्स का कैंडल यहां पे क्लोज होने जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां देखिए अभी क्या हो सकते हैं, 45,000 इसके ऊपर चला जाए तो 45,444 तक जा सकते हैं, ठीक है, थीके? तो इसके लिए तैयार रहना। और इसी के अंदर मतलब जैसे यहाँ पे कैंडल दिखा रहा है तो इसके अंदर अभी भी मतलब इसका रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरावट आ सकते हैं, जो इसको आज का जो डे लो यहाँ तक आने का संभावना भी बन सकता है, ठीक है। तो दो संभावना हम लोग बता दिया, तो दो संभावना को अच्छे तरीके से देखिए सीखिए समझिए। और आज है सरस्वती पूजा, तो इस दिन का एंजॉय भी आप लोग कीजिए, क्योंकि देखिए हर दिन आप लोग ट्रेड करते ही तो है, थोड़ी बहुत एंजॉय भी कर लीजिए, तो क्योंकि लाइफ का मजा भी आपको लेना है तो ये भी ले लीजिए। तो उसके साथ साथ और आप सेकेंड हाफ में आके फिर से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसमें 5 मिनट्स का कैंडल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस अभी ले रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेने का ही मतलब सबसे बढ़िया एक तरीका है इस ट्रेंड लाइन में। तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, इसके अंदर रेजिस्टेंस ले लिया तो फिर से गिरावट आ सकता है, जो इसको यहाँ तक लाके आ सकता है, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो फिर से ए लेवल सब लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल को अच्छे तरीके से देखना और काम करना उस तरीके से, ठीक है। और हमारे साथ आप लोग लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं और लाइव ट्रेडिंग बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिया लिंक पे जाके आप लोग 1000 एक कूपन कोड दे देना, तो यहाँ पे आप लोग 1000 कूपन कोड देने से आपको 1000 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा, तो चाहे तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।